असलमकूम इन दिस वीडियो आई एम डिसकसिंग अबाउट द एक्टोपिक पेस मेकर और वी कैन से दार्डियक एरिदमियाज सो द एरिदमिया मीन्स एबनॉर्मल रिदम ओके सो हमने देखना ये है कि ऐसी हार्ट में कौन सी चेंजेज होती हैं जिसकी वजह से हम हमें कहना पड़ता है कि नाव दिस इज़ एक्टॉपिक पेस मेकर ठीक है सो so, अगर मैं रफली ड्रॉ करूं हार्ट की डायग्राम तो हम ये बात जानते हैं जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि ऐसे नोट जो है जो कि राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है वो हमारे पास प्राइमरली इम्पल्सिस को जनरेट करता है ठीक है अगर हमारे पास नॉर्मली ऐसे नोट जो कि इम्पल्सिस को जनरेट करता है तो इसे हम कहते हैं साइनस रिदम मीन्स नॉर्मोटॉपिक मीन्स नॉर्मल ठीक है बट हार्ट में ऐसी कोई चेंजेस आ गई हैं अभी हम चेंजेस की बात नहीं करें जैस ये डिस्कस करें कि टॉपिक पेसमेकर होता क्या है ठीक है तो अगर ऐसे नोट के बजाय कोई और यानी कि ए वी नोट एज आ पेस मेकर वर्क करे फॉर एग्जाम्पल हम ये बात जानते हैं कि ऐसे नोट इम्पल्स को जनरेट करता है जो कि हमारे पास राइट ए ट्री और लेफ्ट एट्रियम से होती हुई ए वी नोट तक आती हैं बट समाइम्स कुछ ऐसी चेंजेस हो जाती हैं जिसकी वजह से ऐसे नोट या तो इम्पल्स को जनरेट ही नहीं कर पा रहा ठीक है या फिर दूसरा क्या होता है कि इम्पल्स तो उसने जनरेट कर दी लेकिन जो है वो ट्रांसफ़र में इशू हो रहा है ठीक है तो उसकी वजह से यानी कि ए ऐसे नोट अभी काम ही नहीं कर पा रहा अपना तो उसकी जगह अगर एवी नोड या परकंची फाइबर्स जो हैं इम्पल्स को जनरेट करें तो उसे हम कहते हैं एक्टोपिक पेस मेकर ठीक है एक बात और है कि जो हमारे पास एट्रिया के जो मसल्स होते हैं वो भी एज आ एक्टोपिक पेस मेकर के तौर पर एक्ट कर सकते हैं ठीक है थैंक यू अल्लाह हाफिज़